नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर दिल्ली से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रोहित चौधरी गैंग के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर रोहित चौधरी गैंग के एक शार्प शूटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वह फतेहपुर बेरी इलाके में क्राइम केस में वॉन्टेड था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और पकड़ में ना आने पर उसे भगोड़ा घोषित किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश की पहचान प्रभात के तौर पर हुई है, जो राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है। पिछले साल 28 जून की देर रात गैंगस्टर रोहित चौधरी ने प्रभात और दूसरे साथियों के साथ मिलकर प्लॉट खाली कराने को लेकर राजेंद्र सिंह को धमकाया था। आरोप है कि इस दौरान उसने हवाई फायर भी किया। बदमाश लाठी डंडे से लैस होकर आए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गई थी। पुलिस की पूछताछ में प्रभात ने खुलासा किया कि वह 2009 में नौकरी की तलाश में राजस्थान में दिल्ली आया था। यहाँ छतरपुर इलाके में उसने 6 महीने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया। बाद में नौकरी छोड़कर वह इसी इलाके में पीजी में काम करने लगा। इस दौरान वह कुख्यात बदमाश रोहित चौधरी के संपर्क में आया। साल 2011 से वह उसके लिए काम करने लगा। वह न केवल उसके लिए पैसा उगाही करता था, बल्कि धौलपुर राजस्थान में स्टोन माइनिंग में भी रुपए निवेश कर चुका था। रोहित चौधरी के कहने पर उसने कार सर्विस वाले से संपर्क किया, फॉर्च्यूनर कार को बुलेट प्रूफ बनाकर मॉडिफाई करवाया। इस कार को अपराध करने या गलत काम में रोहित चौधरी इस्तेमाल करता था। पुलिस ने मकोका केस में बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार और एक अन्य कार को जब्त किया था। रोहित के कहने पर ही प्रभात गांव खासपुर में लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ चुका है, जिसमें रोहित चौधरी ने उसे 20 से 25 लाख रुपए दिए। खबर यूपी के इटावा से है, जहां पर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बड़पुरा थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम को 17 वर्षीय युवक ने बनाया हवस का शिकार। मासूम को बहला फुसला कर सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ किया दुराचार। घटना के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी होते ही पीड़ित परिजन बच्ची को थाने लेकर पहुंचे। पुलिस दुष्कर्म पीड़ित मासूम को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। मामले की जानकारी होते ही एसपी सिटी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित मासूम के परिजनों के बाद से बात करके घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। पीड़ित पिता ने बताया, 4 वर्षीय मासूम के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह बच्ची को थाने लेकर पहुंचा, जहां पर उसने तहरीर दी। वहीं गांव के युवक व पिता द्वारा आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया, जो भागने में कामयाब रहा। एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने बताया, आज बड़पुरा थाना पुलिस को 4 वर्ष मासूम से दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। वहीं अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। अभियुक्त की अति शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं और अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जाएगी। एक नाबालिग। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर मोबाइल में व्यस्त नजर आए अधिकारी। आपको बता दें, चंदौली से खबर आ रही है, जहां पर जनता की समस्याओं का कैसे हो निस्तारण, इस पर संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। इस पर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, जब मोबाइल में ही व्यस्त ही नजर आ रहे थे जिम्मेदार अधिकारी। मामला चकिया के संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान का मामला है।
खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि घने कोहरे में ओवरटेक करते समय रोडवेज बस व ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस में करीब आधा सैकड़ा सवारियां मौजूद थी। बस दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी। घटना के बाद जीटी रोड पर जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाकर यातायात को चालू कराया। दरअसल अजमेर डिपो की रोडवेज सोमवार को करीब आधा सैकड़ा सवारियों को लेकर दिल्ली से कानपुर जा रही थी। जैसे ही बस गुरसहाया गंज कोतवाली क्षेत्र जसोदा गांव के पास पहुंची, घना कोहरा होने की वजह से सामने आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से आमने सामने भिड़ गई। हादसे में बस ड्राइवर राजस्थान के भरतपुर निवासी सुंदरलाल पुत्र चुन्नीलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही जसोदा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों को इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि परिजन कन्नौज के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सुबह जसोदा के पास ट्रक और बस में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 12 घायल यहाँ पे आए हैं और एक मृत मृतक यहाँ पे पहुँचे हैं। जो घायल हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, उनका सब यहाँ पे मैनेजमेंट किया जा रहा है और अभी वो स्वस्थ हैं, उनके देखभाल की जा रही है। और इसमें जो मृतक हैं वो बस के ड्राइवर बताए जा रहे हैं, इसकी सूचना दे दी गई। यूपी के बुलंदशहर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां परचून की दुकान में शराब बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परचून की दुकान से शराब का पव्वा खरीदता नजर आ रहा युवक। बुलंदशहर के गांव जीतगढ़ी में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से हो चुकी 6 लोगों की मौत। बुलंदशहर के थाना अगौता थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के कासगंज में एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है। आपको बता दें कासगंज से खबर आ रही है, जहां पर ससुराल की पिटाई से महिला पीड़ित थी। महिला ने लगाया फांसी का फंदा। सीओ ने गंभीर हालत में कराया निजी हॉस्पिटल में भर्ती। कोतवाली क्षेत्र के भटपुरा गांव की रहने वाली थी महिला। पीड़िता कासगंज से है। जनपद की सोरो कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहित महिला ने ससुराल वालों की पिटाई से पीड़ित होकर फांसी का फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंचे सदर क्षेत्र अधिकारी ने गंभीर हालत में महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित महिला कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र के भटपुरा गांव की रहने वाली है। यहां की रहने वाली शैलेंद्र की पत्नी दुर्गेश के मुताबिक उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर उत्पीड़न और शोषण करते थे। बीती रात भी उसके पति दुर्गेश ने परिजनों के साथ मारपीट की, जिससे पीड़ित होकर दुर्गेश ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। गनीमत रही कि फांसी के फंदे पर झूलते हुए परिजनों ने देख लिया। उधर मायके पक्ष की सूचना पर पहुंचे सदर सीओ आर के तिवारी ने दुर्गेश को गंभीर हालत में निजी हॉस्पिटल कासगंज में भर्ती कराया, जहां दुर्गेश की हालत में सुधार है। मतलब घर वाले मारपीट करते थे सब लोग, पूरी फैमिली। तो सीओ साहब गए थे, उन लोगों ने मेरी जान बचाई है। ऐसे करके कोई नहीं चाहता है। सास ससुर नंद हैं, दो और ससुर हैं, सास हैं, सब लोग मारपीट करते हैं दहेज के पीछे।
तो आपको क्या फांसी पर लटकाया था? हाँ, फांसी पर लटकाया था सर। 3-1 महीने में मुझे 4 पोत मार चुके वो लोग। मैंने किसी को बताया नहीं था अपने घर पे। खबर यूपी के झांसी से आ रही है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, खबर झांसी से है। चोरों ने एक साथ आधा दर्जन घरों को अपना निशान बनाया, जिसमें नकदी, जेवरात, बाइक और असलाह समेत लाखों रुपए की नकदी व जेवरात पर हाथ साफ किया है और रफू चक्कर हुए हैं। दरअसल मोट थारा क्षेत्र के ग्राम अमरा में बीती रात्रि हथियारों से लैस बदमाशों ने आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें अज्ञात बदमाश लाइसेंसी बंदूक, नकदी जेवरात समेत घरों के बाहर रखी बाइक लेकर चंपत हो गए। वहीं देर रात्रि घर के लोगों ने जब यह देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने एक दूसरे को इसकी सूचना दी, तब जाकर कहीं लोगों को पता चला कि आधा दर्जन घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने संबंधित मोट थाना पुलिस को दी, जिसमें सुधीर पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके घर बदमाश घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल घर के लोगों के जागने पर बदमाश फरार हो गए। वहीं आनंद नारायण पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर में लाइसेंसी बंदूक और लगभग 1,57,000 रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं गांव के ही ग्रामीण खेत से पानी लगाकर लौटे चंदन सिंह ने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी कर दी, जिसे चोर लेकर फरार हो गए। वहीं रफीक खान ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने उसके घर की कुंडी काटी और आवाज सुनकर भाग गए। वहीं बदमाशों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाली गांव की बुशरा नामक लड़की ने बताया कि जब गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, वहीं दोनों बहनों घर से बाहर रखे अपने लकड़ी के खोखे को देखने आए, तभी सामने के मकान से कुछ चोर छत की दीवार के सहारे उतर कर भाग रहे थे। इसकी सूचना ग्रामीणों ने मोट थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं झांसी SSP दिनेश कुमार पी ने बताया कि मोट थाना क्षेत्र के ग्राम अमरा में एक लाइसेंसी बंदूक और नकदी की चोरी की सूचना मिली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जल्द ही इस मामले की खुलासे की जानकारी देगी। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं आसपास के जिलों की क्राइम ब्रांच की टीम को भी सूचना दे दी गई है, जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। तो हम लोग ने देखा बाहर तो 3 लोग थे, उधर से दो साइड, एक साइड में खड़ा था, एक ऐसे हाथ करके वो उसने गद्दी पे ले लिया, एक झुका था छत पे। रात में पानी दे के आए खेत से, मोटरसाइकिल यहाँ बाहर खड़ी कर दी, बस कोई रात में उठा ले गया। कितने बजे थी? पता नहीं, हम तो 9 बजे रखी थी रात में। जब परिवार के सदस्य हम सो रहे थे, कुछ बाहरी तथ्यों के द्वारा घर में घुस के चोरी करना बताया गया है। मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना कर दिया गया है। तो उस चोरी में कुछ जेवरात और एक डबल बैरल बंदूक जाने का सूचना मिली है। FIR दर्ज कर लिया गया है, स्पेशल रिपोर्ट। खबर यूपी के कासगंज से आ रही है, जहां पर मासूम के अपहरण से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खबर कासगंज से आ रही है, जहां पर जिले में दिन दहाड़े मासूम बच्चे का अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से मांगी 40 लाख की फिरौती। रकम ना देने पर बच्चे की हत्या करने की दी परिजनों को धमकी। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बच्चे के पिता ने अपहरणकर्ताओं से भी बात ऑडियो रिकॉर्डिंग कर उठाई। बच्चा मुक्त कराने की मांग कासगंज जिले के सिरपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। जनपद में एक दिन पूर्व लापता हुए 10 वर्षीय बच्चे के परिजनों में हड़कंप मच गया। उस वक्त जब अज्ञात नंबर से आए 40 लाख रुपए की फिरौती की कॉल से हड़कंप मचा। कॉल आने के बाद से परिजन अपहरणकर्ता और बच्चे के पिता की हुई वार्तालाप ऑडियो टेप को वायरल कर पुलिस से सकुशल बच्चा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक सोमवार की शाम को सिरपुरा थाना क्षेत्र के पिथनपुर गांव निवासी किशनवीर को 10 वर्षीय बेटा लोकेश सोमवार को सुबह 9 बजे घर से खेत पर गया था, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा।
इस बात पर परिजनों ने बच्चा गुम होने की गुमशुदगी सिरपुरा थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। आज मंगलवार की दोपहर में किशनवीर के मोबाइल पर एक कॉल आई और उसने 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रुपए ना देने पर बच्चे की हत्या करने की धमकी दी। बच्चे के पिता ने जब बच्चा को फोटो और बात कराने को कहा, अपहरणकर्ताओं ने बच्चे से बात भी करा दी। इस घटना के बाद पुलिस महकमा भी हरकत में आ गई और एसपी मनोज कुमार सोनकर मौके पर पहुंचे और जानकारी हासिल कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बच्चे को सकुशल मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? किशनवीर। आपके बेटे का अपहरण हुआ, कब अपहरण हुआ है? कल क्या हुआ है? 40 लाख रुपए मांगे हैं, उन्होंने मानने की धमकी दी है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस आई थी, देखे चली गई कार्रवाई करके। कितने साल का बच्चा, क्या नाम था बच्चे? 10 साल का लोकेश। अपने खेत से ही हुआ। सामने वालों से अभी विवाद बताया, परिवारिक जनों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया बच्चे की बरामदगी के। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें, लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में आज शामिल होने वाले सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। युवा कुछ करना चाहते हैं, आज के समय में जरूरत की हेल्थी पॉलिटिक्स की जरूरत है। 12 तारीख को जब विवेकानंद जी जन्मदिन के अवसर पर हमने कहा पूरे प्रदेश में युवा घेरा बनाए रखे, जिस तरह नौकरियों का काम कम किया जा रहा है, युवा कहां जाए, आज जिस तरह से शिक्षा संस्थानों और यूनिवर्सिटी पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। छात्रों पर NSA लगाया जा रहा है, ऐसा किसी देश में हुआ है क्या? कोरोना के समय पूरा देश समझा ऑनलाइन पढ़ाई कितनी जरूरी है, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। हमारे देश की जो तहजीब रही है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाना चाहते हैं। सभी पार्टी ज्वाइन करने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज के समय पर स्वस्थ राजनीति की जरूरत है। सवाल बहुत है, अगर देश का युवा निराश हो जाए तो आने वाले समय में हमारा देश कैसे बनेगा? जब 12 तारीख को विवेकानंद जी को याद किया जा रहा था, तब सपा ने गांव में जगह जगह बैठकर युवा घेरा बनाने को कहा। युवाओं की बात सामने आए, सभी नौजवान काम, रोजगार, नौकरी होगी कि नहीं ये चिंता में है। प्राइवेटाइजेशन हो रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को, शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैं इन भारतीय जनता पार्टी को कैसे समझाऊं? इनके खेती नहीं है, खेती नहीं जानते। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि भाई खेती से संबंध नहीं है उनका। खेती के बाद जो मुनाफा है उससे संबंध रखना चाहते हैं ये बाजार से संबंध रखते हैं। बाजार को कंट्रोल करना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश और रणनीति है। समाजवादी पार्टी के सभी लोग किसान हैं, और किसान के होने के नाते वो उस आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। हम सब पे खेत हैं, हमने सबने देखा हमारा धान लूट लिया गया। अभी खेतों में सरसों खड़ी है, बताइए आप MSP क्या है आपकी? आप तो वो हमें एडिबल ऑयल खिलाना चाहते हैं जिससे स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं कि बेहतर होगी। क्या आप एडिबल ऑयल की मार्केट को कंट्रोल नहीं कराना चाहते 2 या 3 लोगों के अंदर? आप अपने मस्टर्ड ऑयल का कहां फेंक दिया आपने? तो किसके पास है एडिबल ऑयल का कंट्रोल? आप सोचो जरा, बाजार देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खेत वाली पार्टी नहीं है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर आप पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, लखनऊ से खबर आ रही है, आप पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद संजय सिंह को मिली जान से मारने की धमकी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी विधायक दिलीप पांडे रहे मौजूद। विधायक दिलीप पांडे ने कहा, यूपी में एक बड़ी सार्थक राजनीति की शुरुआत हुई थी जब शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार और उनके मंत्रियों को चैलेंज दिया। यूपी में स्कूलों की हालत कैसी है, ये यूपी ही नहीं पूरा देश जान रहा है। जब इस पर हमने मुहिम चलाई, CM योगी घबरा गए। जब मनीष सिसोदिया
यूपी के स्कूलों की तरफ बढ़े तो उन्हें रोक दिया गया। योगी सरकार में इस कदर घबराहट है कि मनीष सिसोदिया को रोका जाता है और सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में स्कूलों में बच्चों की शिक्षा उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता को सरकार पर भरोसा दिलाती कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये सरकार घबराहट में इस तरह के कदम उठा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के बदलाव को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से ये सरकार कुछ सबक ले। उत्तर प्रदेश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति करने वालों की दुकान न बंद हो जाए। दुकान बंद होने का डर जिन लोगों को है उससे जुड़े हुए लोगों ने सांसद जी को धमकी देने का काम किया और ये कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले भी जब उन्होंने सरकार पर कुछ सवाल उठाए थे तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के जो बुनियादी सवाल हैं सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम सारे साथी उस सवाल को मजबूती के साथ पहले भी उठा रहे थे और आगे भी उठाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी सार्थक राजनीतिक चर्चा की शुरुआत होती सी लगी थी जब उत्तर प्रदेश से सरकार से जुड़े हुए लोग माननीय मंत्री महोदयों ने शिक्षा के ऊपर चर्चा करने की चुनौती दिल्ली सरकार उनके मंत्रियों को दी, जिसके अगले चरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खबर यूपी के कर्नलगंज की है जहां पर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि कर्नलगंज तहसील दिवस मना रहे हैं, जहां पर मजाक बना दिया है तहसील दिवस का। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। एसडीएम सीओ अपर आयुक्त की मौजूदगी में गेम खेलते नजर आ रहे थे कर्मचारी। कर्नलगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। अधिकारियों के सामने गेम खेलने में बिजी दिखे कर्मचारी, पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बी स्टार न्यूज़। नमस्कार।